इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन है और वो ये कि ज्यादातर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करने के बाद लंदन भाग जाते हैं। हमने नीरव मोदी का फ्रॉड देखा था जिसमें नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया और ये फ्रॉड सामने आने से पहले ही वो लंदन भाग गया। विजय माल्या पर भी बैंक का काफी सारा डेट था जिसके चलते काफी सारे पैसे विजय माल्या को बैंक को रिटर्न करने थे और इसी बीच वो भी लंदन भाग गया। उसके बाद रिसेंटली हमने ललित मोदी की केस स्टडी कवर की जिसमें हमने उनके आईपीएल फ्रॉड के बारे में बात की और उनके खिलाफ सारे चार्जेस बाहर आने से पहले ही वो भी लंदन भाग गया। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स क्रिमिनल्स लंदन भाग गए हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरी कंट्रीज के भी लोग स्कैम करके लंदन भाग जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बाद में लंदन ही भाग गए। तो इन सब चीजों के चलते एक ही सवाल आता है कि लंदन ही क्यों? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी और कंट्री में फ्रॉड कर रहे हो और पैसा लेकर यूके जा रहे हो तो यूके आपका वेलकम करेगा, बट कंडीशन ये है कि आप अच्छा खासा पैसा लेकर आने चाहिए। यूके बाहर की कंट्रीज के लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे कि गोल्डन वीजा प्रोवाइड करती है। गोल्डन वीजा के तहत अगर आप 2 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करते हो तो यूके आपको गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है जिसके बाद आप कुछ सालों तक वहां आराम से रह सकते हो। साथ ही यूके अलग अलग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है जिसके चलते जो लोग पैसा लेकर यूके जा रहे हैं वो वहां पर आराम से लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। सिर्फ यूके ही नहीं और भी कई सारी कंट्रीज है जो इसी तरह की प्रैक्टिसेस करके अपनी इकोनॉमी में पैसा लाना चाहती है। अगर कोई स्कैमस्टर या क्रिमिनल यूके में पैसा लेकर जाता है तो वहां के लॉज उस पर्सन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और यही रीजन है कि पिछले 30-40 सालों से लंदन और यूके फ्रॉडस्टर्स के लिए एक आइडियल जगह हो गई है जहां फ्रॉड करने के बाद वो तुरंत चले जाते हैं। अगर यूके के अलावा स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड सीक्रेसी के नाम पर लोगों को ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए अलाउ करती है जिससे स्विट्जरलैंड को अपनी जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। मॉरिशस भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करता है और इसलिए कई सारे फ्रॉडस्टर्स मॉरिशस में अपनी कंपनी फॉर्म करके अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रॉड लोगों के लिए सिस्टम बहुत सिंपल है, अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो वो स्विस बैंक में डिपॉजिट करना है, अगर ब्लैक का व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो मॉरिशस में कंपनी फॉर्म करनी है और फिर उस कंपनी के जरिए इंडिया में इन्वेस्ट करना है जिससे उनका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फ्रॉड करके भागना है तो उसके लिए फिर लंदन जाना है। आखिर फ्रॉड लोग अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से रिक्वेस्ट की थी कि वो 131 लोगों को इंडिया के हवाले कर दे। उन 131 लोगों में अलग अलग क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स थे जिन्होंने मर्डर किए हैं, फ्रॉड किए हैं या फिर जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और इन 131 लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को अब तक इंडिया के हवाले किया गया है। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी के अलावा और भी कई सारे क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स हैं जो लंदन जाके बैठे हैं, जैसे कि टाइगर हनीफ जो कि 1993 के गुजरात ब्लास्ट मामले का आरोपी है, नदीन सैफी जो कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर केस का आरोपी है वो भी लंदन में ही छुपा है। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली जो यस बैंक का मामला चल रहा है उसमें यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और उनकी बेटियों पर अलग अलग आरोप है। जब ये आरोप सामने आने लगे तभी राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर लंदन के लिए निकल रही थी, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें लंदन जाने से रोका। तो अपने इस पैसों की ग्रीड यानी लालच के चलते लंदन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स का वेलकम करते हैं, और साथ ही जब इंडिया उनके पास उन फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स को अपने हवाले करने की बात करती है तो यूके गवर्नमेंट कुछ भी एक्सक्यूजेस बताकर उस चीज को ना कह देती है। यूके कहती है कि वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी है, जिसके चलते यूके गवर्नमेंट कहती है कि अगर ब्रिटिश कोर्ट्स को लगता है कि किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है या फिर उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई कंट्री उन्हें मांग रही है तो फिर ब्रिटिश कोर्ट उन लोगों को उस रिस्पेक्टिव कंट्री के हवाले नहीं करते हैं। बट जब एक्चुअल में रियलिटी की बात की जाती है तो ऐसा सामने आता है कि यूके बस क्रिमिनल्स और फ्रॉस्टर्स को बचाने के लिए यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का बहाना बना रही है। अगर इंडिया के मामलों की बात की जाए तो जो भी क्रिमिनल्स और फ्रॉस्टर्स लंदन भाग गए हैं ना ही उन पर टॉर्चर की कोई बात थी, ना ही डेथ पेनल्टी जैसी कोई चीज उन पर हुई है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर केसेस में तो इंक्वायरी ही बाकी है और इंक्वायरी के लिए इंडिया को पहले तो वो लोग चाहिए। अगर आप ब्रिटिश कोर्ट्स और यूके गवर्नमेंट के एक्सक्यूजेस देखोगे तो उससे आपको ये चीज पता चल जाएगी। विजय माल्या की जो एक्सट्राडिशन प्रोसेस है यानी इंडिया के हवाले करने की जो प्रोसेस है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट्स मानते हैं कि इंडिया के जो जेल्स है वो विजय माल्या के लिए सही नहीं है। 1993 में जतिंदर अंगूराला ने बैंक का फ्रॉड किया था और बैंक का फ्रॉड करके वो लंदन भाग गया था। जब इंडिया ने उसे भी इंडिया लाने की कोशिश की तो ब्रिटिश कोर्ट ने बताया कि इस केस के बीच काफी टाइम बीत चुका है इसलिए हम जतिंदर अंगूराला को आपके हवाले नहीं कर सकते। 1984 में मोहम्मद असलम मिर्जा नाम के टेररिस्ट ने यूके में इंडिया के डिप्लोमेट रविंद्र म्हात्रे का मर्डर किया था।
और फिर मोहम्मद असलम मिर्ज़ा ने कोर्ट में कहा कि मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा है और इसी को सही मानते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसे छोड़ भी दिया था। वहीं जब यूएस की बात आती है तो यूएस के साथ ऐसा नहीं होता है। 2004 से 2011 के बीच यूएस ने यूके के पास 130 लोगों को उनके हवाले करने की रिक्वेस्ट की और उनमें से सिर्फ 10 लोगों को रिजेक्ट किया गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन है और कितना प्रेशर वो यूके के ऊपर बिल्ड कर रही है। अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया भी इंडिया जैसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन रशिया ने उसका सलूशन निकाल लिया है। शुरुआत में रशिया में भी ऐसा ही होने लगा कि लोग फ्रॉड करके यूके चले जाते थे और फिर जब रशिया यूके से रिक्वेस्ट करती थी तब यूके उसे रिजेक्ट कर देता था। 2003 में रशिया के दो बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके चले गए। पहले तो रशिया ने यूके से रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को रशिया के हवाले कर दे, लेकिन उस रिक्वेस्ट को यूके ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके कुछ ही दिन बाद वो दोनों बिजनेसमैन लंदन में अपने घर में डेड पाए गए और उसके बाद रशिया से फ्रॉड करके यूके जाने का जो मामला है वो रुक गया। वहीं इंडिया की बात की जाए तो ना ही क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर पर कोई एक्शन ली जाती है, ना ही यूके पर कोई स्पेशल प्रेशर बिल्ड किया जाता है और इसलिए इंडिया से भागे हुए कई सारे फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स वहां आराम से रह रहे हैं। विजय माल्या ने तो वहां पर 11.5 मिलियन पाउंड्स का बंगलो भी लिया है। तो जो भी फ्रॉडस्टर लंदन भाग गए हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हैं और ऐसे फ्रॉड्स के चलते कई सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है और कई लोग ऐसे में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जरूरत है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पनिशमेंट मिलने की ताकि और लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये टैक्सपेयर्स का ही पैसा है। जैसे कि हमने देखा कि PNB एक गवर्नमेंट बैंक है और नीरव मोदी ने PNB को 14,000 करोड़ का चूना लगाया था। बाद में PNB को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कई सारा पैसा PNB में डालना पड़ा, तो अल्टीमेटली ये पैसा टैक्सपेयर्स का ही है और नीरव मोदी फ्रॉड की वजह से जो भी लॉस PNB को हुआ वो टैक्सपेयर्स का ही पैसा था। तो फिलहाल जो सिलसिला चल रहा है यानी फ्रॉड करके लंदन जाने का, तो उससे रिलेटेड एक चीज़ पता चलती है कि पुराने ज़माने में इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री थी। कई सारे सवाल ये भी आ रहे हैं कि कैसे लोग मॉरिशस की कंपनीज के जरिए अपना ब्लैक मनी वाइट करते हैं, तो उस पर भी एक वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। और आज का ये वीडियो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने दिए हुए सजेशंस पर बनाया गया है, सो थैंक्स फॉर गिविंग द सजेशन। 20 मार्च से हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जनरली हमारे जो बाकी ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, यानी पहले से रिकॉर्ड किए हुए कोर्सेस हैं। वही ये जो लाइव क्लासेस हैं ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है। इन सारी क्लासेस में हम लाइव आपके सामने आकर आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाएंगे, वो भी पूरे डिटेल में। साथ ही आपके स्टॉक मार्केट से जुड़ी क्वेरीज भी आपके सामने ही लाइव सॉल्व करेंगे। इन लाइव क्लासेस के लिए आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स का हमने नाम रखा है लाइव ऑनलाइन स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। तो इस लाइव स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल किया जाएगा। साथ ही हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने की लिंक भी आपको दी जाएगी और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी दिया जाएगा। और फिर उस लाइव क्लास के टाइम पर आपको प्रोवाइड की गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। इस लाइव क्रैश कोर्स में हम आपको पूरा स्टॉक मार्केट बड़े डिटेल में सिखाएंगे, जिसमें स्टॉक मार्केट को बेसिक से सिखाया जाएगा। साथ ही कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा और उसके साथ ही कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, कंपनीज कैसे चुननी है, अगर कंपनी चुन ली है तो फिर किस समय उसे खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर की जाएगी। इन लाइव क्लासेस में हम ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर करेंगे, तो जिन लोगों को बेसिक से पूरा स्टॉक मार्केट सीखना है वो लोग तो ज़रूर इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बट साथ ही जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में करियर करना है या फिर आगे चलकर NISM की कुछ एग्जाम्स देनी है, तो ऐसे लोग भी इन क्लासेस के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं। इस लाइव क्रैश कोर्स में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। इस क्रैश कोर्स में टोटल 25 लेक्चर्स रहेंगे और एक महीने का ये क्रैश कोर्स रहेगा। इनकेस अगर आप कोई लेक्चर मिस करते हो तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल इस लाइव स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पर हम 28% का प्री बुकिंग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस प्री बुकिंग ऑफर का जरूर फायदा लें। ये प्री बुकिंग ऑफर 20 मार्च तक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।